हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड है जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए पिछले लेक्चर के अंदर विशाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया। क्वेश्चन 4 दिया है For what value of x 4/3, x, 4/27 are in GP। पिछले लेक्चर में रिया मैंने बताया था कोई भी सीक्वेंस कोई भी नंबर जीपी में कब आएगा जब उसका रेशियो इक्वल आएगा। एपी में कब आता है जब डिफरेंस सेम आता है और जीपी में रेशियो सेम आएगा तो आपका वो क्या बन जाएगा सीक्वेंस जीपी बन जाएगा। अब आपको नंबर दिया है पहला दिया है 4/3 कॉमा दूसरा एक्स तीसरा 4/27। अब बोला है कि आपको ये कौन सा ऐसा नंबर है फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स तो पूछा ही है। अब बोला है कि ये जीपी में कब आएगा तो मैं बोल सकता हूं ये मेरा फर्स्ट टर्म है T1, ये मेरा सेकेंड टर्म है T2 और ये T3। अब ये नंबर जीपी में कब आएगा जब इसका रेशियो इक्वल आएगा मतलब T3/T2 पहला रेशियो दूसरा T2/T1। अब ये नंबर को मैं जीपी कब बोलूंगा जब दोनों रेशियो क्या होगा इक्वल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे R1 दे रहा हूं इसे R2 दे रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं R1 इज इक्वल टू अगर R2 है तो सीक्वेंस जीपी है दोनों का रेशियो सेम आएगा तो जीपी आएगा ना। तो इधर आप लिख सकते हो क्या 4/27 डिवाइडेड बाय एक्स अरे बराबर फिलिंग वाला डिवीजन 4/27 इंटू 1/एक्स अरे बराबर। तो इधर रेशियो क्या आ जाएगा 4/27x इसका रेशियो आया इधर रेशियो फाइंड कर तो इधर T2 T1 4/3 भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो 3x/4 ये रेशियो आ गया। अभी मैंने क्या बताया दोनों रेशियो इक्वल है क्योंकि नंबर सीक्वेंस जीपी में तो आई कैन से क्या लिखूंगा मैं ये और ये इक्वल है ना तो 4/27x इज इक्वल्स टू 3x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 4 3x × 27x अरे बराबर 16 = 3 × 27 × x² ये बाजू ले लेता हूं अरे बराबर 16/81 = x² 81 कैसे आया बराबर है मल्टीप्लाई अहियाँ आते तो डिवाइड था से ने भाई स्क्वेयर अहियाँ रूट था से 16/81 = x गुजराती बेन 16 का स्क्वायर 4 81 का 9 स्क्वायर रूट है तो प्लस और माइनस तो x का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू फॉर x ना इफ द नंबर इज इन जीपी समझा सम अरे क्लियर है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या है क्वेश्चन 5 बताइए। If for a sequence Tn is equals to 5n, 5 to okay, no bhadking, upon 2n minus 3, ऐसा कुछ है then show that, क्या बोला है is ZP है ना और कुछ फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो मतलब R एंड A अपने को कॉमन रेशियो फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। अब जरा ध्यान दो ये TN दिया है बराबर है ये TN दिया आपको मुझे अगर रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो का फॉर्मूला क्या है रेशियो का फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर ये n है तो ये n प्लस 1 है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2 है तो ये 2 प्लस 1 हुआ ना, 2 प्लस 1 3 होगा ना। तो अगर ये टी एन है तो ऊपर वाला नंबर क्या चाहिए, n प्लस 1 चाहिए ना। अभी भी दिमाग में नहीं बैठा तो फिर से एक बार रिया मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान दे। रेशियो फाइंड करने के लिए पीछे से आगे, अभी मेरे पास 4 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 वो 4 एग्जाम्पल। तो आप इसे T1 कहते हो, इसे T2 कहते हो, इसे T3 कहते हो, इसे T4 कहते हो, है ना। अरे बराबर है कि नहीं। तो ये T4 है, T4 डिवाइड बाय T3, डिवाइड डिवाइड। तो अगर मैं इधर लिखता हूं T4 डिवाइड बाय T3, इसका मतलब नीचे अगर 3 है तो ऊपर 4 कैसे आया भाई, ऊपर 3 प्लस 1 किया तो 4 आया। तो अगर मैं बोलता हूं यहां पे n है तो ऊपर क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा ना। अरे समझा, चलिए वेरी गुड, अब आप इसका आंसर दे सकते हो, शाबाश। tn मालूम है तो ऊपर क्या चाहिए, tn प्लस 1 चाहिए तो ही मुझे रेशियो मिलेगा। तो tn तो मालूम है, अब मैं tn प्लस 1 का आंसर फाइंड करता हूं। कैसे, तो tn मालूम है, जहां पे भी n है वहां पे n प्लस 1 कर दो खाली। तो इसका आंसर tn प्लस 1 का आंसर क्या आएगा, 5। n प्लस 1 माइनस 3, n के जगह पे मैंने क्या लिखा, n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 माइनस 3। अरे समझते है, सिर्फ n के जगह पे n प्लस 1 डालना, कुछ भी नहीं किया। सॉल्व कर, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो इधर आएगा n माइनस 2, 2 n माइनस, ये किसका आंसर है, tn प्लस 1 का आंसर है। अरे समझा, अब मेरे पास tn भी है, tn प्लस 1 भी है, तो मैं r फाइंड कर सकता हूं। r का फॉर्मूला क्या है, tn प्लस 1 अपॉन tn, समझ रहा है। अब मेरे पास tn प्लस 1 है, मेरे पास tn है, खाली डिवाइड, क्लियर। चलिए तो tn प्लस 1 का आंसर है 5n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 5n माइनस 3 अपॉन 2n माइनस 3 बराबर। आ तो फीलिंग वाला डिवीजन है शिवा, फीलिंग आएगा क्या, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, बोले तो 5n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 2 इनटू 2n माइनस 3 अपॉन 5n माइनस 3। अरे ये समझा, अब क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने, ऐसा कुछ होता है, होता है। a का मतलब नंबर, मैंने इसकी बात ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इसी की बात किया, एक नंबर की बात किया ना। ऐसा कुछ फॉर्म में वो दिख रहा है मुझे, तो मैं उसे इस फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं अलग अलग, इसे भी कर सकता हूं, इसे भी कर सकता हूं, इसे भी कर सकता हूं, और हो सकता है फिर बाद में कुछ कट हो। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तो अब ध्यान देना, ऐसा हो गया। इसके बाद क्या कर रहा हूं, n है और माइनस 2 है, n है और माइनस 3 है, n है माइनस 2 है, n है माइनस 3, तो इसे मैं क्या करने वाला हूं, इसे मैं हमने जो इंडाइसेस किया था कभी 8 स्टैंडर्ड में उस फॉर्म में अरेंज कर, 5n into 5 raised to minus 2, ये कौन से फॉर्म में हुआ, a raised to m into a raised to n के फॉर्म में हुआ, अपॉन 2 raised to n into 2 raised to minus 2। ये समझा, समझा क्या किया, क्योंकि इनको प्लस करोगे तो वो क्या आएगा, n प्लस 2 n माइनस 2 आने वाला है ना, फॉर्मूला है आपके पास, इनटू
टू रेज टू एन इंटू टू रेज टू माइनस थ्री अपॉन, ध्यान देना, फाइव रेज टू एन इंटू फाइव रेज टू माइनस, ये समझा? अब कुछ ना कुछ कैंसिलेशन होगा बिकॉज मल्टीप्लीकेशन साइन, इतना समझा? अब अपने को मालूम है माइनस है नीचे आएगा तो प्लस, माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, तो इधर थोड़ा खेल रहा हूं, टू रेज टू टू फाइव रेज टू टू, इसको ऊपर लिया और इसको नीचे लिया, साइन बदल गया, इनटू इधर भी सेम करता हूं, अरे समझा? कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, क्या बच गया? बराबर है, पावर में दो था ना, इधर तीन था, दो दो कट तो एक टू बच गया, दो था तीन था एक एक कट हुआ, ये क्या था? समझा? थोड़ा लॉजिक इधर, इधर तक तो मजा आ रहा था करने के लिए, थोड़ा सा इधर अपने को करना पड़ा, और ये करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये समझा गया? क्लियर है यहां तक? अब ये आपका दिमाग कब चलेगा? जब आपको आइडेंटिटी जो आपने किया था 8th स्टैंडर्ड में कभी वो गलती से याद होगा तो याद दिलाए ना अभी। अच्छा क्या करूं अभी? हाँ 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 अच्छा, अपन एक काम करते ना, 8th स्टैंडर्ड चालू करते वापस 11th में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते, यहां तक समझ में आ गया? तो ये रेशियो फाइंड हो गया। अब रेशियो फाइंड हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है मतलब T1 फाइंड करना है, T1 का फॉर्मूला इन GP, GP का TN का फॉर्मूला क्या है? TN का फॉर्मूला AR(n-1) ऐसा कुछ है, हाँ या नहीं? तो मेरे को TN मालूम है, N के जगह पे अभी क्या लिखना है? 1, TN का आंसर मालूम है ना, खाली n के जगह पे भी क्या लिखना है? 1, तो इधर आएगा 5, 1-3, 2, 1-3, 1 मतलब फर्स्ट टर्म ना, 1 मतलब फर्स्ट टर्म, हाँ ये ऑलरेडी tn सॉल्व किया हुआ है तो r क्यों लिखेंगे? अरे मैं ये बोल रहा हूँ ये tn का फॉर्मूला है, बराबर है, और tn का आंसर मेरे को दिया है ना सॉल्व करके, अगर नहीं दिया होता तो मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता, tn इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता, अभी मुझे tn ऑलरेडी दिया है ना, तो मैं खाली n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, समझाइए? तो tn इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 5 to the power -2, 2 to the power -2, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, t1 इज इक्वल टू 2 the whole square, 5 the whole square विच इज इक्वल टू 4/25 T1। सर ये क्यों नहीं किया आपने? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कब करता जब मुझे सीक्वेंस नहीं मालूम होता, TN R N माइनस वन लिखता मैं, और मुझे TN क्वेश्चन में दिया है, TN दिया, लास्ट टर्म दिया है, तो खाली मुझे N के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, तो N के जगह पे वैल्यू, तो ये N का वैल्यू मतलब 1 का वैल्यू है, आंसर आ गया। अरे बात समझा? स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 3 नंबर्स इन अ GP such that their sum is 21 and sum of their square is 189. Find three numbers. तीन नंबर जीपी के फाइंड करने, अब तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, तो अगर तीन नंबर जीपी की बात करेंगे तो इसका सीक्वेंस कैसे होता है? तो तीन नंबर है तो a अपॉन r, a ए आर, तीन नंबर सीक्वेंस में कैसे आते? तो चलिए आपने लिखा कैसे, मैंने आपको बताया था जीपी के लिए अपन क्या करते, टी एन प्लस वन अपॉन टी एन लिखते, तो ये अपॉन ये करो तो रेशियो क्या आएगा, आर ए और ए कट, ये अपॉन ये करो तो भी रेशियो आर आएगा, अरे समझा? ये तीन नंबर एपी का होता है, नहीं समझ में आया तो देखो पीछे से आगे, ए आर अपॉन ए बराबर है ए अपॉन ए अपॉन आर, आर ऊपर चले जाएगा ए कट तो आर आएगा, ये तीन नंबर इन एपी आ गया, देखो रेशो आ रहा है ना, आर दोनों में आंसर आर ही आ रहा है, अरे समझा? तो आपको ये याद रखना है जब थ्री नंबर जीपी का पूछा है
अभी कौन से नंबर से मुझे मालूम नहीं है, मुझे यही फाइंड करना है फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो जब थ्री कंसेक्यूटिव नंबर पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि जीपी में थ्री कंसेक्यूटिव नंबर कैसे निकलते हैं, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, जिसमें ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। क्लियर? अब कंडीशन कुछ दिया है ऊपर, कंडीशन में क्या दिया है, कंडीशन दिया है थ्री नंबर्स आर इन सीक्वेंस इन अ जीपी सच दैट द सम इज 21। सम इज 21 मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6। तो यहां पे थ्री नंबर्स आएगा ए अपॉन आर, ए ए आर, सम बोला है तो ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 21। अरे समझा, सब में आप चाहिए तो कॉमन ए ले सकते हो, ए कॉमन लिया तो आपके पास 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21 बचेगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 21 अपॉन ए, प्लस 1 खाली आगे लिखा मैंने और कुछ नया नहीं किया, ये समझ में आया। प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो सकता है, तो 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 अपॉन ए माइनस, ये समझा। अब इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज अभी आप फ्रैक्शन में निकालने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, इधर डिनोमिनेटर इक्वल और एक पॉइंट पे आके रुक जाओगे, बराबर है, इसे मैं ऐसे छोड़ देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 पर ये समझ में आया, मतलब एज पर फर्स्ट कंडीशन इतना आके रुक गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन दिया है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 189। सम ऑफ देयर स्क्वेयर, सम मतलब एडिशन, किसका, इनके स्क्वेयर का, मतलब ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 189। अरे समझा, फिर से चाहिए तो ए स्क्वेयर को बाहर ले सकते हो सब में, जैसे इधर किया तो भाई ए स्क्वेयर को बाहर, ए स्क्वेयर को अगर आप बाहर लेते हो तो आपके पास बचता है 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 189। 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 189 अपॉन ए स्क्वेयर, बराबर है, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही है माइनस 1, इतना समझा पक्का। अब दोनों सिमिलर दिख रहा है, खाली फर्क क्या दिख रहा है, ये स्क्वेयर है और विदाउट स्क्वेयर, फिर इसको स्क्वेयर कर दो ना, इसको स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड इक्वेशन 1 को स्क्वेयर करूंगा तो 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, बराबर है, ये समझा क्या किया पक्का, बराबर इज इक्वल 21 अपॉन ए माइनस 1 द होल स्क्वेयर, समझा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, कौन से फॉर्म में है ये, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी द होल स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन आर द होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर, समझा, इज इक्वल टू 21 अपॉन ए होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर, समझा क्या किया, अरे समझा, चलिए इधर सॉल्व, 1 अपॉन आर स्क्वेयर ही आएगा प्लस आर आर कैंसल 2 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल 441 अपॉन ए स्क्वेयर 21 का स्क्वेयर माइनस कुछ कैंसल नहीं 42 अपॉन ए प्लस 1, अरे समझा, प्लस 2 उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या आया 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 441 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 42 अपॉन ए प्लस 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, अरे समझा,
बराबर। अब आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो सब a के फॉर्म में आ जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह पे अगर ये वाला वैल्यू में इधर चिपका देता हूं तो सब a के फॉर्म में हो जाएगा, और a मतलब फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पूछा है। अरे बात समझा, जैसे a मिल जाएगा वैसे रेशियो मिल जाएगा, रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझाइए a और r कैसे मिलेगा। तो अब ये वाले इक्वेशन को इसमें चिपका दो, या तो इसको इसमें चिपका दो जिधर आपका मन करे, इसको इधर चिपकाना इधर चिपकाओ, इसको इधर चिपकाना जिधर आपको लगे वैसा कर, ठीक है। तो इसको इधर लेने का तो इधर, या इसको इधर लेने, कौन सा वाला ले लू सर, ये छोटा वाला इधर ले लो ना। चलो ठीक है, 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके जगह पे ये आ गया। अब बचाइए 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, सर्जी कैंसिल हो जाएगा। अरे समझा, अब 189 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन, एक जात वाले लोगे आ जाएगा इधर, है ना, ए स्क्वायर स्क्वायर, क्या बात है। 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 441 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन ए, डिनोमिनेटर सेम है, बेबी को बेस पसंद है, आ जाएगा 189 माइनस 441 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन ए। 189 में 441 को माइनस करना है, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 252 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन ए। ए स्क्वायर उधर ले लो, 42 को इधर ले लो। अरे समझा, तो इधर आ जाएगा माइनस 252 अपॉन माइनस 42 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए, सर जी कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, सिक्स स्मार्ट ए इज इक्वल टू 6, ए मिल गया। अब ये ए का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आर मिल जाएगा, आर ऐसा भी निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो जैसा मन करे। अरे समझ में आ रहा है, तब ए का वैल्यू कौन से इक्वेशन में मन करा, फर्स्ट वाले में, चलिए फर्स्ट वाले में, 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 अपॉन 6 माइनस 1, बराबर है। 1 अपॉन आर प्लस आर, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई, 21 माइनस 6 अपॉन 6, 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 में से 6 जाएगा तो 15 अपॉन 6 आएगा। सर अब क्या करेंगे, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे, बेबी को बेस पसंद करवाएंगे, आर स्क्वायर करेंगे ना। चलिए ठीक, तो अब आर से मल्टीप्लाई होएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 15 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15 इंटू आर, अरे समझा, 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आर, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ऐसा जाना पहचाना दिख रहा है अपने को, 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सब 3 के टेबल में जाता, 3 के टेबल में 6 15 6 ज्यादा 3 से डिवाइड कर देते, तो ये आएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, 2 टू जा 4 और आंसर में माइनस 5 चाहिए, 4 वन जा 4, अरे बराबर, और कोई फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, 2 टू जा 4 तो हो गया ना, इधर तो माइनस में ही था ना 15, तो भाई माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आएगा, और पॉजिटिव 4 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2, अरे समझा। देयरफोर इधर कुछ कॉमन,
और r कॉमन, r माइनस टू सेम, r माइनस टू भाई साहब माइनस वन, r माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू टू, r टू आर इज इक्वल टू वन, r इज इक्वल टू हाफ। तो r का वैल्यू क्या है, टू या तो हाफ। समझ में आया, रेशियो मिल गया। अभी सीक्वेंस पूछा है तो a का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, टू सब्स्टिट्यूट करके देखो, हाफ सब्स्टिट्यूट करो, सेम नंबर आएगा। अरे बात समझ में आया, हाँ एक कर सर। तो अभी a का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट नंबर में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 6/2 बराबर है, फिर दूसरा a है 6 और तीसरा क्या है 6 × 2, इधर 3 इधर 6 इधर 12, 3 6। समझ में आ गया, सम पक्का है, ज्यादा लोड देता नहीं, इतना समझ में आया, पक्का क्लियर है। आई जस्ट होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।